एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज आप देख रहे हैं, हमने लिए हैं ये टिंडे, बिल्कुल फ्रेश टिंडे हैं। इनको सबसे पहले ना हमने इस तरह से छील लिया है, पहले सबसे धो लिया है, धोकर अलग रख लिया है। अच्छे से हरी सब्जियां जो भी आप बाहर से लाते हैं हमेशा अच्छे से धो लें, है ना। पहले हम इसको इस तरह से आलू छीलने वाला, जो बारीक छिलका निकालता है ना आलू का पिलर, उसी से आपने छीलना है और बहुत जल्दी ये बन जाते हैं, है ना। थोड़े कच्चे टिंडे लें तो वो टेस्टी बनते हैं। देखिए, इस तरह से हमने इसको छील लिया है। आधा किलो टिंडे लिए हैं मैंने और उनको ऐसे बीच में से कट लगा के, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इस तरह से हम तीन तीन पीस कर लेंगे, ठीक है ना। और ये टिंडे की रेसिपी इतनी बढ़िया बनने वाली है, आप देखिए अंदर से टिंडे बिल्कुल ना कच्चे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से काट लेते हैं सारे टिंडे। पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए और उसमें ये कटे हुए टिंडे हम डाल देंगे, ठीक है। और इसको हम चलाते हुए लगातार हल्का सा फ्राई करेंगे, जैसे भरवा टिंडे बनाते हैं ना और आप तब फ्राई करते हैं, उस तरह से हम हल्का से इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, हम इनको उलटते पलटते ना सेक लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें सेकना है। और मैं बताऊँ, कभी कभी क्या होता है, गेस्ट आते हैं, आप सोचते हैं कि आप टिंडे की सब्जी बनाएं, पर अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे सब। ये है हमारे टिंडे की सब्जी, देखिए इस तरह से हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया ना। इस तरह से हम सारा हल्का शैलो फ्राई करके आपसे मिलते हैं। जब तक टिंडे फ्राई हो रहे हैं मैं आपको दिखाऊँ, मैंने लिए हैं 9 पीसी काजू और ये लिया है मैंने सौंफ पाउडर 1 छोटी चम्मच, 2 पिंच मैंने दालचीनी पाउडर लिया है, फ्रेश कुटी काली मिर्च है 2 पिंच और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये है मेरा चाय का मसाला जो मैंने खुद बनाया हुआ है, उसमें सौंफ भी है, सब कुछ है, तो ये भी मैंने आधा चम्मच लिया है। 2 टमाटर को हमने 1 हरी मिर्च के साथ ऐसे काट लिया है। तो पहले हम काजू का पेस्ट तैयार करते हैं। अब ये जो काजू का पेस्ट है ना जो हमने मिक्सी में बनाया है वो भी हम इसमें डाल देंगे और साथ में हम ये मसाले भी मिक्सी के अंदर डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि बहुत अच्छे से पिस जाएगा। 1 इंच ये अदरक के पीस डालेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें ये बेसन और इनको सबको हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा मसाला पीस कर तैयार हो गया है, देखिए क्लियर दिख रहा है। अब हम टिंडे चेक कर लेते हैं, टिंडे भी ऑलमोस्ट हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। और आप देखेंगे इसने ना, क्योंकि ग्रेनाइट कोटेड पैन है तो तेल जो है जितना इसमें डाला था उतना नीचे है, तो इसी में हमारा ये टिंडे की सब्जी बन जाएगी, जो मसाला है ना वो भी भून जाएगा, ठीक है ना। देख रहे हैं आप कि सारा तेल नीचे है, हमारे टिंडे भी अच्छे से हो गए, ये देखिए और तेल भी नीचे है। तो टिंडे को निकाल लेते हैं, तेल ऑलरेडी गर्म है, इसमें डालेंगे हम ये जीरा 1 छोटी चम्मच और हींग 2 पिंच, हींग की खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आती है। और बहुत धीमा रखेंगे गैस को ना, बिल्कुल ऐसे स्लो फ्लेम पर। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, साथ साथ जल्दी जल्दी डालेंगे। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, किचन किंग 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच और इन सबको हम मिक्स करेंगे जल्दी से ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और कुछ ही सेकेंड भूनने के बाद हम जल्दी से डाल देंगे ये पिसा हुआ टमाटर। मिक्सी में जो लगा है हम उसे पानी डाल के निकाल लेंगे थोड़ा सा।
देखिए मसाला भुन गया है, भुनना शुरू हो गया है। देखिए कितने अच्छे से उसने पैन को छोड़ दिया है ना, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस समय हम डालेंगे इसमें एक क्रश करके कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ना आने के बाद सील जाती है, तो आप हमेशा इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करें और फिर सब्जी में डालें, तो इसका अलग ही फ्लेवर आता है। जो सीली सीली होती है ना, वो क्रश नहीं हो पाती, तो आप हमेशा चेक करें कसूरी मेथी को, ड्राई रोस्ट करें हल्की बिल्कुल फ्लेम पर ताकि जले ना, और फिर उसको डालें। तो जब ये मसाला हमारा ऐसे छोड़ना शुरू हो जाए पैन, इसका मतलब वो अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए गर्म पानी ऐड करेंगे। मैं कैटल में गर्म पानी हमेशा रखती हूँ जब भी सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से ना सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। इसको मिक्स करेंगे, जितनी भी हमें ग्रेवी रखनी है ना, उतना, जितना आपको थिक रखना है। देखिए है ना बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप कहेंगे कि ये टिंडे की सब्जी है, हमने तो ऐसी पहले कभी नहीं खाई, पर आप कमेंट जरूर करिए, बताइए जरूर कि आपकी आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये टिंडे जो हमने ऑलरेडी निकाल के रखे थे, और ये काफ़ी हद तक तो कुक हो चुके होते हैं, बट फिर भी हम इन्हें यहाँ थोड़ी देर ढककर पकाएंगे ताकि क्या है, जो मसाले हैं ना वो इनके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। गैस को धीमा कर देंगे और पैन को ढक देंगे। आइए चेक कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं। थोड़ा सा हम हरा धनिया यहाँ पर डाल देंगे, और ग्रेवी ना आपको अगर थोड़ी ज़्यादा रखनी है तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं। मसाले मतलब झटपट बनने वाले ये शाही टिंडे हैं, है ना। तो ये देखिए टिंडे चेक कर लें कि आपके टिंडे गल गए हैं क्या, जो भी आप बनाए हैं। और इस समय आप सारा ना नमक वगैरह टेस्ट करके देख लें। तो बस एक दो मिनट और हम इसको ढक के पकाते हैं और फिर करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये रेडी है हमारी शाही टिंडे मसाला की सब्जी। देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।